कलम्बी बॉटर स्पाइनच, कलम्बी या कर्मी साग के कोमल कलियों एवं पत्तियों का साग बनाया जाता है। इसका पुष्पकाल मई से जुलाई तथा फलकाल अगस्त से दिसंबर तक का होता है। करेमू या कलम्बी साग मीठी और थोड़ी कड़वी प्रकृति से ठंडे तासीर की हजम करने में भारी होती है और संरचना में थोड़ी रुकी होती है। कलम्बी बात और कफ को कम करने वाली, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने में, शुक्र या स्पर्म का काउंट बढ़ाने में मदद करती है। कलम्बी देर से पचने वाली होती है। कलम्बी का फल मधुर कषाय ठंडे तासीर का तथा पित्त को कम करने में सहायता करता है। अन्य भाषाओं में कलम्बी के नाम, संस्कृत कलम्बी शत परबी स्थूल फला महागंध कठम भरा विश्वरोचना, हिंदी कलम्बी शाक कर्मी नाड़ी का साग कलमी साग करेमू पटुआ साग, उर्दू नारकाकल चूहाकानी, उड़िया कलमा साग, गुजराती नालनी भाजी, तमिल कोईलंगू सरकरी बल्ली, तेलुगु तोमे वच्चली तूतीकुरा, बंगाली कलमी शाक पतु शाक, नेपाली पानी साग कलमी साग कारमी, पंजाबी नली गेंथियोन, मराठी नालीची भाजी नादी शाक, इंग्लिश हेडवेटिक माउंटेन गैलोरी, चाइनीस वाटर स्पेनिच पोटेटो वाइन, अरबी उजानुफर। कलम्बी के फायदे, कलम्बी साग में पौष्टिकता इतनी होती है कि आयुर्वेद में यौन संबंधी बीमारियों के अलावा कई बीमारियों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किन किन बीमारियों के लिए और कैसे किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। आँख की बीमारी में फायदेमंद कलम्बी। आँख संबंधी बीमारियों में बहुत कुछ आता है, जैसे सामान्य आँख में दर्द, रतौंधी, आँख का लाल होना आदि। इन सब तरह के समस्याओं के साथ अविष्यंद भी कलम्बी से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। कलमी के पत्ते का रस आँखों के चारों ओर यानी बाहर की ओर लगाने से अविष्यंद का ठीक होता है। सांस की तकलीफ से दिलाए राहत। अगर किसी कारणवश सांस लेने में समस्या हो रही हो तो तुरंत आराम पाने के लिए कलम्बी का सेवन ऐसे करने से लाभ मिलता है। 1 से 2 ग्राम कलम्बी साग चूर्ण का सेवन करने से सांस की तकलीफ में लाभ होता है। खांसी से दिलाए राहत कलम्बी। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो कलमी साग से इसका इलाज किया जा सकता है। 10 मिली कलमी के पत्ते का काढ़ा दिन में 2 बार सेवन करने से खांसी में फायदा मिलता है। हर्ष या बवासीर में लाभकारी कलम्बी। अगर ज़्यादा मसालेदार तीखा खाने के आदि हैं तो पाइल्स या अश होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें कलम्बी का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। 2 चम्मच करीमू के पत्ते के रस में 1 बादाम गिरी को पीसकर मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से अर्श या पाइल्स में लाभ होता है। मूत्राशय में पथरी निकालने में सहायक कलम्बी साग। मूत्राशय ब्लैंडर में पथरी होने पर इसके कर से तभी निजात मिलेगी जब वह निकल जाएगा। प्राकृतिक तरीके से पथरी निकालने में कलम्बी के पत्ते असरदार तरीके से काम करते हैं। 10 मिली करीमू के पत्ते के काढ़े का सेवन करने से मूत्राश्मरी टूट कूट कर निकल जाती है। दांत की खुजली करे कम कलमी साग। अगर किसी एलर्जी के कारण दांत हुआ है तो इसको ठीक करने के लिए कलम्बी का साग इस्तेमाल ऐसे करने से जल्दी लाभ मिलेगा। करमियों के नए खिले हुए फूल के कलियों को पीसकर दांत के प्रभावी स्थान में लगाने से लाभ होता है। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।